साउथ अमेरिका में खराब मौसम के चलते सोयाबीन की फसलों को नुकसान की आशंका बताई जा रही है। ब्राजील और अर्जेंटीना में मौसम इस बार सोयाबीन के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। वहां पर सूखे की स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे सोयाबीन के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसी के चलते सोया खली की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। विदेशों में सोया खली की डिमांड भी बढ़ी है और कीमतें भी। ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के पहले से कम उत्पादन की आशंका के बीच सोया खली की कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। सोया खली के साथ साथ विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी भी निरंतर बनी हुई है। जानकारों के अनुसार सोयाबीन और मक्का उत्पादकों को आने वाले दशक में बायोफ्यूल सेक्टर से डिमांड में तेजी देखने को मिल सकती है। इथेनॉल के उत्पादन में भविष्य में और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक 2021 में सोयाबीन में काफ़ी उठापटक देखने को मिला है, जो कि नीचे में 5000 तक भी गया था और ऊपर में कीमतें 10000 से भी अधिक गई थी। 2021 में सोयाबीन पर सरकार के काफ़ी फैसले भी देखे गए, जिसका प्रभाव सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ता देखा। 2021 के अंत में सोयाबीन ने NCDX पर 6200 के करीब की क्लोजिंग दी थी। अमित सजेजा के मुताबिक साल 2022 सोयाबीन के लिए शुरुआत में थोड़ा खराब रह सकता है। उन्हें वायदा में सोयाबीन की कीमतें 4500 से 5000 से नीचे जाती हुई ज़्यादा नहीं दिखती हैं। सोयाबीन की कीमतों के लिए 4500 से 5000 तक का दायरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अमित सजेजा का ये भी मानना है कि सोयाबीन में अगर गिरावट रहेगी तो तेजी भी ज़रूर बनेगी। अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन 2022 की शुरुआत के पहले 6 महीने में वायदा बाजार में 8000 तक के स्तर दिखा सकती है। और बात करें अगर एक साल के आउटलुक की, तो सोयाबीन 2022 में एक साल में 10000 तक के स्तर दिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।